गुड़िया, एक गुड़िया यह पाठ हमने पढ़ा था। और कैसे उस गुड़िया को कुछ काम नहीं था वो हमने इस पाठ में देखा था। और आज हम देखने वाले हैं मैं भी। देखिए इस पाठ का चित्र देखिए। सबसे पहले आप पाठ का निरीक्षण कीजिए अच्छे से। क्या दिख रहा है आपको? एक अंडा दिख रहा है, एक फूलो एक पेड़ है उसको फूल लगे हैं, और ये क्या है? बतख। और ये अंडा। ठीक है, तो हम देखते हैं इस पार्ट में अंडे का और बतख का क्या रिश्ता है। चलो तो पढ़ते हैं पाठ को। एक अंडे में से बतख का बच्चा निकला। लो, मैं अंडे में से निकल आया, बतख का बच्चा बोला। क्या हुआ? एक अंडे में से बतख का बच्चा निकला और बोला, लो मैं अंडे में से निकल आया। ऐसा कौन बोला? बतख का बच्चा। ये रहा बतख का बच्चा। आगे क्या है? एक और अंडे में से मुर्गी का चूजा निकला। एक और अंडे में से मुर्गी का चूजा निकला। क्या निकला? मुर्गी का बच्चा। तो वो बोला, मैं भी आ गया, चूजा बोला। पहले कौन बोला? बतख का बच्चा, लो मैं अंडे में से निकल आया। फिर चूजा बोलता है मुर्गी का, मैं भी आ गया, चूजा बोला। आगे क्या होता है? मैं घूमने जा रहा हूँ। ऐसा कौन बोला? बतख का बच्चा। बतख का बच्चा बोला, मैं घूमने जा रहा हूँ। तो चूजा क्या बोलता है? मैं भी चलूंगा, चूजा बोला, मैं भी चलूंगा। फिर क्या होता है? फिर बतख का बच्चा बोलता है, मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, बतख का बच्चा बोला। फिर चूजा बोलता है, मैं भी खोदूंगा। वो क्या कर रहा है? ये जो चूजा है, मुर्गे का चूजा, बतख की नकल कर रहा है। जैसे ही बतख बोल रहा है वैसे ही वो चूजा उसकी नकल कर रहा है। फिर आगे क्या होता है? देखिए, मुझे एक केचुआ मिला। बतख का बच्चा बोला, मुझे भी। बतख का बच्चा क्या बोला? मुझे एक केचुआ मिला। और फिर चूजा क्या बोलता है? मुझे भी। यहाँ पे भी उसकी नकल उसने की, चूजे ने बतख की नकल की। फिर आगे क्या होता है? देखिए, मैंने एक तितली पकड़ी। बतख का बच्चा बोला कि मैंने एक तितली पकड़ी। फिर मैंने भी तितली पकड़ी, चूजा बोला। देखिए, दोनों ने एक ही तितली पकड़ी और दोनों चूजा उसकी नकल करते करते बोल रहा है कि मैंने भी तितली पकड़ी। मैं तैरना चाहता हूँ, बतख का बच्चा बोला। बतख का बच्चा क्या बोला? कि मैं तैरना चाहता हूँ। फिर चूजा बोलता है, मैं भी तैरना चाहूंगा। आगे क्या होता है? देखिए, देखो मैं तैर रहा हूँ, बतख का बच्चा बोला। और बतख का बच्चा नदी में गया और तैरने लगा और उसे बोलता है, देखो मैं तैर रहा हूँ। फिर चूजा बोला, मैं भी तैरूंगा। चूजा क्या बोला? मैं भी तैरूंगा। असल में तो बतख को तैरना आता है क्योंकि वो पानी में ही रहते हैं, पर मुर्गी का जो चूजा है, मुर्गी का बच्चा, उसे तैरना नहीं आता। फिर भी वो उसकी नकल करने लगा, मैं भी तैरूंगा। तो जैसे ही पानी में गया तो वैसे ही चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, चूजा डूबते हुए चिल्लाया। क्या हुआ? जैसे ही चूजा पानी में गया तो चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ।
फिर क्या हुआ आगे? बत्तख के बच्चे ने चूजे को पानी से बाहर निकाला। क्या किया? जैसे ही चूजा पानी में चला गया वैसे ही वो डूबने लगा, क्योंकि बत्तख के बच्चे को तैरना आता था, पर मुर्गी का जो बच्चा था चूजा उसे तैरना, पानी में तैरना बिल्कुल नहीं आता था। फिर क्या हुआ? वो डूबने लगा और डूबते डूबते उसे लगा कि मैं डूब जाऊंगा पानी में, तो वो चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ मैं डूब रहा हूँ, उसे वो चिल्लाने लगा। फिर बत्तख के बच्चे ने चूजे को पानी से बाहर निकाला, उसकी जान बचाई। बत्तख के बच्चे ने क्या, बत्तख ने क्या किया? चूजे की जान बचाई और उसे बाहर निकाला। अब सर्कल में देखिए आगे क्या हुआ होगा। अब यहाँ तक स्टोरी हमें बताई है, आगे क्या हुआ होगा आप बताओ। बत्तख के बच्चे ने चूजे की जान बचाई बचाई थी बत्तख के बच्चे ने बत्तख ने चूजे की जान बचाई थी तो दोनों में दोस्ती हुई होगी और दोनों नदी किनारे मिलने के लिए आते होंगे। दोनों नदी किनारे आकर मिलते होंगे और दोनों में बहुत अच्छे से दोस्ती हो गई होगी। ठीक है, तो आगे देखिए नाम दो। चूजा बार बार बत्तख के बच्चे की नकल करता था। चूजा क्या करता था? बार बार बत्तख के बच्चे की नकल करता था। उसे चिढ़ाने वाला एक नाम दो। वो नकल कर रहा है ना, तो उसे चिढ़ाने वाला एक नाम दो। वैसे तो किसी को चिढ़ाते नहीं और चिढ़ा कर कोई नाम रखते नहीं, पर हमें यहाँ पर तो करना है, तो अभी चिढ़ाने वाला नाम हमें यहाँ पर देना है। तो आप कौन सा देंगे? मेरे हिसाब से चिड़चिड़ा नकलची, क्योंकि वो नकल कर रहा है ना, नकलची चूजा। चिड़चिड़ा नकलची चूजा, क्योंकि वो बत्तख की नकल करते करते नकल ही कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या डूबेगा क्या तैरेगा। यहाँ पे आपको चित्र दिए हैं, कौन से हैं? टहनी, पत्थर, पत्ता, चौक और एक साइड में पानी का पाउच दिया है। तो उस पानी के पाउच में कौन सी चीजें डालने से डूबेगी? चौक डाला तो डूबेगा, पत्ता डाला तो तैरेगा, पत्थर डाला तो डूबेगा और टहनी डाली तो तैरेगी। ठीक है, अब नीचे देखिए, करके देखो। कुछ चीजें दी है आपको और दो साइड में ऑप्शन दिए हैं, डूबेगा तैरेगा। तो समझो चौक, चौक पानी में डाला तो क्या होगा? डूब जाएगा। तैरेगा क्या? नहीं, चौक पानी में डाला तो डूब जाएगा। पत्थर, पत्थर पानी में डाला तो डूब जाएगा क्योंकि वो हेवी रहता है। रुई, रुई मुलायम लाइट वेट एकदम हल्की रहती है तो वो पानी में तैरेगी। और कागज, कागज भी पानी में तैरेगा। आपने कागज की नाव बनाकर पानी में छोड़ दी है क्या? तो आपको पता रहा है कि कागज पानी में तैरता है। टहनी, पेड़ की टहनी, वो भी पानी में तैरती रहती है। पेंसिल, पेंसिल भी पानी में तैरेगी। और वो जो चिमनी है, चिमनी पेंसिल शॉप करने की चिमनी, वो पानी में डूबेगी क्योंकि उसके अंदर पानी जाएगा तो वो डूब जाएगी। ठीक है, तो ये पाठ हमारा ये पेस्ट हम खत्म करते हैं। तो ये होमवर्क आपको सॉल्व करना है। ओके, ठीक है, बाय।